चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग अभी अपडेट राज सिंह सर बोलिए आप बोलिए जी सर। आज एक बहुत अच्छा कोटेशन देखा मैंने, किसी ने लिखा था हमारा वक्त खराब है रक्त खराब नहीं है, तो ये काफी सही लगा और ये जो है अभी जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो काफी फिट बैठ रहा है। खैर बात जो है वो दूसरी है। बाबा साहब जो थे, बाबा साहब बहुत विजनरी थे, उन्होंने एक विजन के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल पाया तो रिजर्वेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और बाबा साहब काफी रोए होंगे जब उनको रिजर्वेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। और उस रिजर्वेशन पे जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, वो नहीं चाहते थे कि रिजर्वेशन हो, वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट हो, क्योंकि उनका विजन इतना स्ट्रांग था, वो जानते थे कि अगर रिजर्वेशन आएगा तो वो सारी चीजें आएंगी जो आज आ रखी हैं। 131 रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे पार्लियामेंट में, एक आर्टिकल है संविधान में आर्टिकल 334, वो ये बताता है कि कितने समय तक ये जो रिजर्वेशन है स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में ये हमको मिलेगा। वो पहले 10 साल मिला, फिर 10 साल बढ़ गया, फिर 10 साल बढ़ गया, ऐसे करते करते 80 साल का हो गया है। हर 10 साल में उसमें आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट होती है और उस अमेंडमेंट में जो रीजन दिया जाता है वो लिखा, उसमें लिखा होता है कि क्योंकि हालांकि हमारे जो SC ST लोग हैं वो काफी आगे बढ़ चुके हैं लेकिन उतने आगे नहीं बढ़े हैं जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर्स थे उन्होंने सोचा था। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो उन लोगों की मर्सी पे हैं जो सिस्टम चला रहे हैं और वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उस सिस्टम का हम पार्ट बने। वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उस सिस्टम को हम अंदर से देखें। अगर आप उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो पता चलेगा ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, रूह कांप जाएगी, क्योंकि हम लोग इक्वेलिटी में विश्वास रखते हैं, फ्रेटर्निटी में विश्वास रखते हैं और जो संविधान में जो मूल्य दिए हुए हैं, जो हमको हमारे मूल्य हमारे पूर्वजों से मिले थे, हम उन सबको कैरी फॉरवर्ड करना जानते हैं, उन सबको हम लेके जाने, तो नेचुरली हम लोग बहुत सीधे साधे बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन क्योंकि एक व्यवस्था दी गई संविधान में और उस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए, उस व्यवस्था का फायदा लेने के लिए हमारे 131 रिप्रेजेंटेटिव हमने पार्लियामेंट में भेजे, उसके अलावा हमने स्टेट असेंबलीज में भी भेजे, जैसा जिसकी संख्या जहां थी उसके हिसाब से, लेकिन उन्होंने जाके कभी हमारी बात नहीं की वहां पे। हमारी बात उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जिनके पास उनकी चाबियां हैं, वो नहीं चाहते कि वो उस आइडियोलॉजी की बात करें जो आइडियोलॉजी इक्वेलिटी पे बेस्ड है, जो आइडियोलॉजी हमारी है, जो आइडियोलॉजी आगे बढ़ने के लिए काम करती है और जो आइडियोलॉजी आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। वो हमेशा उस आइडियोलॉजी पे बात कराना चाहते हैं जो आइडियोलॉजी इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, क्योंकि सारी लड़ाई ही आइडियोलॉजी की है। लड़ाई इस चीज की नहीं है कि जो है सत्ता कौन चलाएगा, लड़ाई इस चीज की नहीं है कि सिस्टम कौन चलाएगा। सिस्टम और पावर और सत्ता तो ये मींस है अपनी आइडियोलॉजी बढ़ाने के, तो जो सारी लड़ाई है वो अपनी आइडियोलॉजी की है। उस आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए वो दिन रात काम करते हैं, वो बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि उनका सर्वाइवल उनकी आइडियोलॉजी से है। वो अपनी आइडियोलॉजी पे हमेशा काम करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, जहां मौका मिलता है वहां बढ़ाते रहते हैं। चाट की दुकान पे बढ़ाएगा, चाय की दुकान पे बढ़ाएगा, शोरूम में बढ़ाएगा, गाड़ी खरीदने जाएगा तब बढ़ाएगा, वो धीरे धीरे अपनी आइडियोलॉजी बढ़ाता रहता है। तो जो लड़ाई है वो आइडियोलॉजी की, और हम जिन लोगों को भेजते हैं आइडियोलॉजी अपनी प्रेजेंट करने के लिए वो नहीं करते, तो वो क्यों नहीं करते हैं? अभी इंडिया में 5 स्टेट्स में चुनावी माहौल चल रहा है। उन 5 स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, तो बड़ी कमाल की न्यूज आती है कि एक आदमी या एक संगठन या एक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कल तक एक आइडियोलॉजी की बात कर रही थी और उसको लगता है कि एक नेता वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता उस पार्टी से,
टिकट लेने में, तो वो अपनी पार्टी बदल देता है, वो अगली पार्टी में चला जाता है। और आप ये समझिए, जब वो अगली पार्टी में चला जाए तो पिछली वाली पार्टी को गाली बकेगा, इस वाली पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रेस करेगा, फिर वहां पे नहीं मिलता तो फिर अगली में चला जाता है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इस चुनाव में देख रहा हूं मैं, ये जो अभी सिस्टम, ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इसमें देख रहा हूं। विद इन अ फोर्टनाइट एक आदमी ने 3 पार्टी बदल दी क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि उसको टिकट इसलिए नहीं चाहिए कि वो जाके हमको रिप्रेजेंट करेगा, उसको टिकट इसलिए नहीं चाहिए कि वो जाके वहां हमारी बात करेगा, उसको टिकट इसलिए चाहिए क्योंकि वो उसका धंधा है, उससे उसकी दुकान चलती है, उससे उसका मकान चलता है, तो उसको जहां टिकट मिलेगा वो वहां जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां वो हमारा झंडा उठाती है, वो हमारी बात करती है, लेकिन वो 1 मिनट में आइडियोलॉजी वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेती है जहां उनको लगता है कि यहां से दुकान नहीं चल पाएगी, अब दुकान कहीं और चलेगी, अब किसी और मोहल्ले में जाना पड़ेगा, किसी और मॉल में जाके दुकान खोलेंगे। वो मॉल चेंज कर लेता है, वो मोहल्ला चेंज कर लेता है, वो दूसरी जगह जाके अपनी दुकान खोल लेता है। और वो वहां पे भी अगर उसका काम नहीं चलता तो गारंटी की बात है, अगर उसने शुक्रवार को दुकान की अपनी जगह बदली है और शुक्रवार शाम तक उसको पता चलता है माल नहीं बिकेगा, तो शनिवार को दूसरे मॉल में दुकान खोल लेगा वो आदमी, या वो पार्टी या वो संगठन। और अगर उसको लगता है कि शनिवार को माल नहीं बिक रहा है तो रविवार को फिर वो नए मॉल में दुकान खोल लेगा अपनी, क्योंकि उसको मतलब इस चीज से नहीं है कि वो हमारी बात कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको मतलब ये है कि उसकी रोटी कैसे चलेगी, उसकी दुकान कैसे चलेगी, उसको हर कीमत पे अपनी दुकान चलानी है। तो ये दुकान ना चलने का जो कारण है वो कारण ये है कि हम जिनके पीछे खड़े होते हैं, जो नेता होते हैं या जो संगठन होते हैं, 3 पोटलियों में बांध के गए थे बाबा साहब, उन पोटलियों को 6,743 पोटलियों में खोल दिया, और उनको भी कमाल की बात यह 29 लाख से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया। तो वो जो नेता हैं, जब हम उनके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं तो वो हमारा सौदा कर देते हैं, वो हमको बेच देते हैं, हमको नीलाम कर देते हैं। एक सरकारी संगठन का या एक किसी सामाजिक मूवमेंट का एक आदमी जो पूरी जिंदगी अपने लोगों को जोड़ता है कि मैं आपके लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, चंदा इकट्ठा करता है, धंधा इकट्ठा करता है, दुकान चलाता है, जब उसके रिटायरमेंट की बारी आती है, जब उसको ये लगता है कि भाई अब तो काम होने वाला नहीं है, अब तो बहुत उम्र बीत गई, अब कुछ कर लेना चाहिए, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है या वो किसी ऐसे आदमी के पास चलाता है जहां से उसको लगता है कुछ माल मिलेगा। वो माल कैश में भी होता है, काइंड में भी होता है, उसको लगता है कि वहां से कुछ माल मिलेगा, वो वहां जाता है और वहां जाके दिखाता है कि देखो मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं, ये मैंने संगठन बना के इकट्ठे करे थे, देखो मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं, ये मैंने एक आइडियोलॉजी के बेस पे इकट्ठे करे थे, और वहां जाके वो हमारा सौदा करता है, खुद चला जाता है मलाई चाटने, खुद चला जाता है दुकान चलाने, और हमको वहीं छोड़ जाता है। और हम इतने मूर्ख, हम इतने बेकार लोग, हम बार 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 उस जाल में फंस जाते हैं। अभी पता चला कि अभी हमें फंसाया है, वो छोड़ के गया फिर दूसरे के पीछे लग लिए, वो छोड़ के गया फिर तीसरे के पीछे लग लिए। यानी जब जब हम आदमी के पीछे लगे तब तक हम बर्बाद हुए, जब जब हम संगठन के पीछे लगे तब तक हम बर्बाद हुए, जब जब हम किसी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी के पीछे लगे तब तक हम बर्बाद हुए। और ये बर्बादी हमारी लगातार चलेगी अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमको ऐसे बैठना है जैसे हम परिवार में बैठते हैं। सबके घर में शादी होती है ना, कोई फंक्शन होता है ना, तो सब साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि फलानी तारीख को फलाने लड़के से या फलानी लड़की से शादी करेंगे, सब डिसाइड करते हैं आपस में बैठ के कि घर कैसे चलेगा। तो ऐसा ही जो काम है वो हमको सबको करना है जो हम पहले किया करते थे। हमको इन छोटी छोटी बातों में अभी नहीं आना है जिन बातों से हमारा बार बार नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आके जिस दिन पॉलिटिकल चर्चा होती है उस दिन हमारे सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं हम बताएंगे क्या समीकरण कहाँ बन रहे हैं, और हम बताएंगे कि कौन पार्टी कैसे जीतेगी और किसने हमारा नुकसान किया। वो बार बार ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, वो बार बार ये भूल जाते हैं कि हमारा जो मोटिव है इकट्ठे होने का वो पॉलिटिकल नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी इकाई है। पॉलिटिक्स तो संघ जो है जो काम कर रहा है जोड़ने और जुड़ने का, उसके आगे बहुत छोटी सी इकाई है। ऐसी बहुत सारी इकाइयां हैं जो बहुत छोटी छोटी सी हैं। इन इकाइयों को हमें तब तक के लिए छोड़ देना चाहिए जब तक हम एक एक करके अपने लिए काम करना नहीं शुरू कर देते हैं। या जितने लोग हैं हमको सबको अपने लिए काम करना पड़ेगा, अगर हम अपने लिए काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही जो है बात करते रहेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा।
रिजल्ट कतई नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता रिजल्ट, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने संघ को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम संघ से आगे चलेंगे तो ये छोटी छोटी इकाई है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, ये सारी सारी इकाई जो है ये आपके पैरों में नजर आएंगी, फिर आप इनको जैसे चाहे वैसे चला लेना। ये सारी की सारी जितनी इकाई है, ये सारी की सारी इकाई आपके पीछे खड़ी आएंगी, जैसे चाहे वैसे चला लेना। फिर आपके पीछे नेता खड़े होंगे लाइन लगा के, अजी हमें आगे बढ़ा दो, हमें आगे बढ़ा दो, हमें आगे बढ़ा दो। फिर आप डिसाइड करोगे कि आपकी विचारधारा कौन आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है। जो आपकी विचारधारा आगे बढ़ा सकता है, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन ठीक से कर सकता है, उसको आप भेजेंगे, उसको नहीं भेजेंगे जो जो आइडियोलॉजी के बेस पे आपको बेचाया, आप उसको नहीं भेजेंगे अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप उसको भेजेंगे जो आपकी बात आगे बढ़ाएगा, जो आपकी आइडियोलॉजी आगे बढ़ाएगा। इसलिए ये जो छोटी छोटी बहस में हम बार बार फॉल इन कर जाते हैं, इन बहस से निकल के हमको प्राइम अपना जो मोटिव है उसको कभी नहीं छोड़ना है, उस प्राइम मोटिव को हमेशा आगे रखना है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में वही आगे जाता है जो अपनी आइडियोलॉजी पे 24/7 काम करता है, उसको बढ़ाता है, उसको खाता है, उसको चबाता है, उसी को सोता है, उसी को पीता है। आइडियोलॉजी घोट के पी के आगे बढ़ाने वाली चीज है, वो बढ़ती रहेगी तो हम बढ़ते रहेंगे, अगर हमारी आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे। जो हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है अगर हम उसको नहीं बचा पाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी विचार एक पेड़ की तरह होता है, उसको सींचते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा, उसको सींचना बंद कर देंगे वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना प्राइम मोटिव हमको हमेशा ध्यान रखना है, अपने प्राइम मोटिव से बिल्कुल नहीं भटकना, क्योंकि अगर हम अपने प्राइम मोटिव से भटक गए तो हारेंगे, फिर से हारेंगे, बार बार हार रहे हैं फिर हारेंगे, मुंह की पड़ेगी, ऐसे गिरेंगे, इस बार तो उठ भी नहीं पाएंगे, दांत टूट जाएंगे, मुंह फट जाएगा, नहीं उठ सकते, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए अपनी आइडियोलॉजी पे काम करो, लगातार काम करना है, छोटी छोटी चीजों में हमको बिल्कुल नहीं पड़ना है। थैंक यू। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
Sangam Sarnam Garchami.